जिले के कुचायकोट थाना अंतर्गत फुलवड़िया गांव में पिता पुत्र की चाकू से मारकर जहां बेरहमी से हत्या कर दी गई, वहीं इस हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया है। वहीं इस मामले में मृतक के परिजनों का कहना है कि आरोपी शराब के नशे में थे तथा घटना को अंजाम शराब के नशे में ही दिए, जबकि पुलिस का कहना है कि पूर्व के जमीनी विवाद में घटना को अंजाम दी गई है। वैसे पुलिस हर पहलू की जांच बारीकी से कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट गोपालगंज। कमलापट्टी फुलवरिया रात खनिया दारू पी के आई रहुआ सर, हमारा घर अकेले सब लोग चल गए था छठियार में, हमारे भतीजा के छठियार रहुए, तो दारू पी के आई रहुआ कुछ ना जमीन के झगड़ा बना को बात के वे पी के लगुए हमारा पैंटा पत्थर चलावे कहत उतर तो हम कहीं ना मनब तो कहत ना बोला मादर चोत कहाँ के रंगदार हुआ सर, तो हम कहीं ना मनब तो बोलाव अपना पापा के, तो हमारे पापा था सहूँ तो पूछबन कहें हमारे लड़कों के ईंटा पत्थर चलावत रह तो मारस ना कर बहन चो तो हमने से बड़का रंगदार बड़े पैसा कमाए वाला माधर चोर अगर कनिक मुआ दसन सब टिकली हर संग खेत देवक बाई जैसे माधर चोर हसन के इे बात हटे 12 बजे रात को नहा के मार दिल बड़ा सन बाबा गौन छोड़ावे तो बाबू के मार के मुआ बोलू हमारे बाप के मरल बढ़ल बाप के नाम श्री मुकेश तिवारी है, बाबा के मरल बढ़ल उनका नाम राम इकबाल तिवारी। गाली गलौज कौन कर रहा था? संदीप, संदीप रहा था, वे प्रकाश रहा था, रंजीत रहा था, राम इकबाल रहा था, कुंवर रहा था, उसकी मम्मी की मौत हो गई है। हाँ, दोनों की मौत हो गई। हमारा क्या नाम है? परम कुमार तिवारी। देखिए कमलापट्टी जिसको बंगरा भी कहते हैं, कमलापट्टी टोला फुलवरिया गांव में दो पक्ष के बीच गाड़ी लगाने को लेकर के आपसी विवाद हुआ था और दोनों पक्ष आपस में गाली गलौज करते हुए मारपीट की नौबत आई है। दोनों मारपीट के क्रम में दोनों पक्ष में जख्मी हुए हैं, जिसमें एक पक्ष के 2 लोग की मृत्यु हुई है, जिनका नाम मुकेश तिवारी और राम इकबाल तिवारी है, दोनों बाप बेटा हैं, और मारने वाले 6 नामजद किए गए हैं। अच्छाओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 घंटा के अंदर इस कांड के नामजद सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस उपलब्धि को पुरस्कृत करने की अनुशंसा की जा रही है।